गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम फाइव सेंसेस में सबसे पहले विजन के विजुअल पाथवे की बात करेंगे विजुअल पाथवे एक्चुअली द सिस्टम विच आइडेंटिफाइज एंड कैटेगराइज विजुअल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द विजुअल सिस्टम एंड इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्चुअली कॉर्निया एंड लेंस टुगेदर रिफ्रैक्ट द लाइट टू फॉर्म अ स्मॉल इमेज ऑन द रेटिना रेटिना देन ट्रांसड्यूस दिस इमेज इन टू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यूजिंग रॉड्स एंड कॉन्स अब यहाँ से रेटिना से ऑप्टिक नर्व निकलती है जो ब्लाइंड स्पॉट से इमर्ज होकर हाइपोथैलमस में जाते हुए ऑप्टिक क्याजमा बनाती है यहाँ ये फाइबर्स डेकोसेट करते हैं यानी क्रॉस करते हैं और ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाते हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट्स से फिर मिड ब्रेन के सेरिब्रल पेडंकल्स की ओर ये फाइबर्स जाते हैं एंड दे रिले देयर एट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इन द थैलेमस जहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है ऑप्टिक रेडिएशंस की ओर जिन्हें हम जेनिकुलो कैल्केन फाइबर्स भी कहते हैं जेनिकुलो कैल्केन फाइबर्स अब जब हमें ये पता है कि राइट ब्रेन कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ़ द बॉडी एंड लेफ़्ट ब्रेन कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी सिमिलरली राइट विजुअल कॉर्टेक्स जो ब्रेन में है वो कंट्रोल करता है लेफ़्ट विजुअल फील्ड एंड लेफ़्ट विजुअल कॉर्टेक्स जो है वो कंट्रोल करता है राइट विजुअल फील्ड तो ये कैसे होता है इसे समझने के लिए अब आगे हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं ये जो रेड और सी ग्रीन कलर की विज़ुअल फील्ड दिख रही है ये हमारी एंटायर विजुअल फील्ड है जितना हमारी आंखें देख सकती हैं अब अगर दोनों आई बॉल्स इस विज इस विजुअल फील्ड के सेंटर में फोकस करती हैं तो ये पूरी विजुअल फील्ड को देख पाएंगी अब लेफ्ट विजुअल फील्ड से लाइट रेज आइज़ की ओर आएंगी तो लेफ्ट आई बॉल की राइट साइड को हिट करेंगी यह हम कह सकते हैं लेफ़्ट आई बॉल की इनर साइड या नेज़ल साइड को हिट करेंगी इसी प्रकार ये रेज राइट आई बॉल की भी राइट right साइड को ही हिट करेंगी या हम कह सकते हैं कि ये राइट आई बॉल की आउटर साइड या टेम्पोरल साइड को हिट करेंगी ये सब हम रेड कलर की लाइट रेज से समझ सकते हैं ये जो रेड कलर की लाइट रेज दिखाई दे रही हैं ये कहाँ से जा रही हैं ये क्लियर हो जाएगा जो भी मैंने अभी समझाया है ये रेज़ आइज़ में आते ही लेंस की द्वारा थोड़ी सी बेंट भी हो जाती हैं इसी तरह से अब जो हमने ये रेड कलर की हमने लेफ़्ट विजुअल फील्ड से आने वाली रेज को समझा है इसी तरह से राइट विजुअल फील्ड से सी ग्रीन कलर में जो रेज़ दिख रही हैं डायग्राम में जब आइज़ की तरफ आएंगी तो राइट आई बॉल की लेफ्ट साइड को हिट करेंगी या फिर हम यही कह सकते हैं कि राइट आई बॉल की इनर साइड या नेज़ल साइड को हिट करेंगी इसी तरह से ये रेज लेफ्ट आई बॉल की भी लेफ्ट साइड को ही हिट करेंगी या हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट आई बॉल की आउटर साइड या टेम्पोरल साइड को हिट करेंगी ये सब हम सी ग्रीन कलर की लाइट रेज से समझ सकते हैं ये रेज आइज़ में आते हुए ये भी रेज जो हैं लेंस के द्वारा थोड़ी सी बेंट हो जाएंगी अब आइज़ जो हैं जो हमने ये सी ग्रीन और रेड कलर के हमने रेज आईज में आई बॉल्स में आते हुए देखी यहाँ से फिर ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं हमारी आई बॉल्स ऑप्टिक नर्व पोस्टीरियर साइड में ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट से निकलती हैं हम सब ये जानते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट में फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं दोनों आई बॉल से आने वाली ऑप्टिक नर्व्स कुछ कन्वर्ज हो जाती हैं और ऑप्टिक क्याजमा के लेवल पर इन ऑप्टिक नर्व्स के नेजल फाइबर्स जो होते हैं जो इनर साइड के फ़ाइबर्स हैं वो डेकसेट हो जाते हैं यानी क्रॉस करते हैं ये आप देख रहे हैं कि नेज़ल साइड वाले फ़ाइबर्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं टेम्पोरल साइड के यानी आउटर साइड के फ़ाइबर्स आई मीन दोनों ऑप्टिक नर्व्स के जो आउटर साइड के फ़ाइबर्स हैं वो क्रॉस नहीं करते और अपनी अपनी साइड पर ही आगे बढ़ जाते हैं सो वॉट दिस इफेक्टिवली ड इट एक्चुअली टेक्स बोध द विजुअल फील्ड्स टू गो टू द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन रेड कलर की लेफ्ट विजुअल फील्ड से आने वाली रेज लेफ़्ट आई के नेजल साइड पर हिट की जा की जो ऑप्टिक क्याजमा के, के लेवल पर डेकोसेट हो गई और राइट विजुअल कॉरटेक्स में पहुँच गई और इसकी कुछ रेज जो राइट आई के टम्पोरल साइड को हिट कर रही थी वो रेज क्याजमा से सीधे ही राइट कार्टेक्स में चली गई तो अल्टीमेटली सारी लेफ्ट विजुअल फील्ड की रेज राइट विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंच गई और इसी तरह सारी राइट विजुअल फील्ड की रेज लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स में पहुंच गई दिस अलाउज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट्स एंटरिंग द आई फ्रॉम राइट विजुअल फील्ड टू गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन And vice versa. So, like the rest of the body, all the information coming from the right visual field actually goes to the left side of the brain, and all the information coming from the left side, left visual field, goes to the right side of the brain.